देखिए जी, इंडिया की जब हम बात करते हैं ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इसमें कोई शको शुबात ही नहीं है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये दो साइकिल मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरे साइकिल का फाइनल खेले जाने वाला है। सक्सेस आप इस तरह नाप सकते हैं इंडिया की टेस्ट टीम के अंदर, एक तो वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन है ही है, इसमें तो कोई राव इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं दो टेस्ट मैचेस, दो टेस्ट चैंपियनशिप के अगर कम्युलेटिव नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस निकालता हूं, तो इंडिया ने 36 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें से 22 टेस्ट मैचेस इंडिया ने जीते और दूसरी दफा फाइनल के अंदर क्वालिफाई हुआ है। इंडिया की ऐसी टीम है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को बीट कर सकती है। भाई अभी भी कुछ कहने की बात है, इतनी बड़ी टीम अनाउंस कर दी उन्होंने, वो तो जीती हुई है। इतनी बड़ी टीम है इंडिया, उन्हें हरा सकती है वो? क्योंकि इंडिया की टीम, आप कहीं भी, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम पाकिस्तान वहाँ पे चले जाए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इंडिया के साथ खेलना। जिस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हों, वो टीम हार नहीं सकती। पाकिस्तानी होने के नाते देखिए, मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ और वर्ल्ड कप जो है इंशाल्लाह एशिया में ही आएगा। भाई आईपीएल कोई भी जीत जाएगा, तू इन्होंने ऐसे कहा अपने अंदाज में, ओ भाई तू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाला है, तू इंडिया का कप्तान है, अब तू इतना फील मत ला अपने चेहरे पे, आईपीएल को हंस के खेल। आज रोहित शर्मा बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स थी, गुस्सा नहीं। स्पेशली रहाने को ऐड करके इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। केएल राहुल का मैं कुछ कह नहीं सकता, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा पहली दूसरी बॉल पे आउट होता रहा, तो उसके कुछ नहीं कह सकता। रहाने बहुत अच्छा प्लेयर है, तो उसका उनको वाकई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और इंडिया की बड़ी अच्छी टीम है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकते हैं। इंडिया की ऐसी टीम है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को बीट कर सकती है। ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यार पिछली बार तो हार से चला गया था, इस बार ना हार से जाना चाहे, तो इसमें तो कोई शको शुबात नहीं है। इंडिया के नंबर्स ऐसे हैं कि नंबर्स गेम के अंदर, या आप अवे ऑन होम की परफॉर्मेंसेस देख लें, एक दो टूर्स के अलावा इंडिया ने पिछले तीन सालों के अंदर टेस्ट मैच में ऐसी एग्जेम्पलरी क्रिकेट खेली है कि वो राइटली नंबर वन टीम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएसडी के बाद किस तरह विराट का ट्रांजिशन और विराट के बाद अब रोहित का ट्रांजिशन हम देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल के जस्ट खत्म होने के बाद डब्ल्यूटीसी का फिनाले है और रोहित शर्मा भी इसको जानते हैं, कप्तानी करेंगे इंडिया की, और उन्होंने पहले कह दिया कि हमारा जो बड़ा हाथ है वो आईपीएल की ट्रॉफी पे नहीं है। और सच्ची बात है यार, आईपीएल की ट्रॉफी तो चलो हर साल होते रहता है, एमआई जीते, सीएसके जीते, कोई भी जीते, बट यार जो ये डब्ल्यूटीसी फाइनल है, ये तीन साल चार साल टेस्ट मैचेस खेलने के बाद या फिर एक साल दो साल टेस्ट मैचेस खेलने के बाद फिनाले का टिकट मिलता है। और आईसीसी ट्रॉफी है, बड़ी बात है, इंडिया ने अभी तक T20 चैंपियंस ट्रॉफी, 50 ओवर वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन टेस्ट वर्ल्ड कप अभी तक दो बार हुए, एक बार फाइनल में गए थे हम, इस बार फिर फाइनल में और जीते नहीं है। तो इस बार ये ट्रॉफी पे टिक लगाना जिम्मेदारी बनती है रोहित शर्मा की, और होपफुली यार इंडिया जीतेगी भी इसे। तो उसको लेके रोहित शर्मा का बड़ा बयान आया कि भाई हमारा जो बड़ा हाथ है, जो हमारी आंखें हैं, वो आईपीएल पे नहीं है, वो है डब्ल्यूटीसी फिनाले पे। और आप लोगों को पता होगा कि यार ऑलमोस्ट सभी बल्लेबाज रेड हॉट फॉर्म में है। भाई बात कर लो सुमन गिल की, तो जबरदस्त फॉर्म में, और यकीनन अब वो टाइम था जहां पर छोटा सा एरर जो है ना, जो कल हार्दिक पांड्या कह रहे थे ना हमने बड़ी बेसिक एरर्स किए, अब रोहित शर्मा के पास बेसिक एरर्स का भी टाइम नहीं है। अब उन्होंने तमाम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर ली है कि मैं ही वो आदमी हूँ जो लीड करेगा वर्ल्ड कप तक, मुझ पे ट्रस्ट करो। धनाधन रोहित आया, हम उसी चीज को लेके चल रहे थे, हम मुंबई टेस्ट चैंपियनशिप से पहले रोहित शर्मा में स्पार्क चाहिए। जिस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हों, वो टीम हार नहीं सकती। पाकिस्तानी होने के नाते देखिए, मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ और वर्ल्ड कप जो है इंशाल्लाह एशिया में ही आएगा। देखिए मैंने उनकी प्लेयर देखे, सारे पुराने प्लेयर हैं उनके, एक दो नए प्लेयर हैं, लेकिन अच्छी टीम बनाई है उन्होंने। बात यह है कि इंडिया अपने घर में शेर है, सबसे पहले तो ये मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं और इंडिया वाले खुद भी मानते हैं, वहाँ उनकी अपने ग्राउंड पर वो कुछ भी कर सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया की पिचों में या उधर की पिचों में डिफरेंट तो होगा, इनके लिए ईजी नहीं होगा। हैं सीनियर प्लेयर हैं, विराट कोहली भी हो गया, अश्विन भी हो गया, उसके काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर हैं उनके, लेकिन बात पिच की है, अपनी फिर भी सरजमीन है, उनकी सरजमीन है, उनके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि इंडिया की टीम, आप कहीं भी, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम पाकिस्तान वहाँ पे चले जाए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इंडिया के साथ खेलना। हाँ मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, ये वहाँ पर वक्त डालेगा, और ये जो जनेजा वगैरह, ये जो उनके पुराने बॉलर हैं, इनमें से मुझे तो नहीं होगा, ये अच्छा मुझे प्लेयर लगा क्योंकि इसकी बॉलिंग मैंने देखी हुई है, ये वक्त बॉलिंग इनकी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर तेज़ पिच हैं, स्लो पिच तो है नहीं। हम इंडिया वाले हैं, पाकिस्तानी वाले जो भी हैं, हम स्लो पिच पे खेलने वाले प्लेयर होते हैं, तेज पिच में हमें बॉल नजर नहीं आती, शुम गुजर जाती। बाकी इनको वहाँ पे, बाकी ये है कि इंडिया अच्छा खेल खेलेगा उनके साथ, पहला एक आधा मैच उनके साथ रहा, पहले मुझे लगता है 87 या 90 पे बुक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बाद में जब इनकी गैरेज जाके अच्छी करेंगे कारगर। विराट कोहली की परफॉर्मेंस कैसी लगेगी आपको, लाइक विराट कोहली परफॉर्मेंस कर पाएंगे वहाँ पे? विराट कोहली जहाँ पे गिरा इनकी टीम गिर गई, समझ लो ये मेरा ये मानना है, यानी कि विराट कोहली ही टीम इंडिया की बैकबोन बना हुआ है फिलहाल। बैकबोन नहीं, रील की हड्डी है, जहाँ पे वो गया पीछे विकेट गिर जाएंगे।
विराट कोहली ने अच्छा खेला तो समझो कि इंडिया टीम अच्छी खेलेगी। विराट कोहली अगर 5-4-3 स्कोर पे आउट हुआ तो समझो इंडिया की टीम दे। मैं ये चीज समझता हूँ कि इंडिया एक वाहिद टीम है कि अगर वो हारने पे आती है तो वो बांग्लादेश से भी हार सकती है, आयरलैंड से भी हार जाएगी, अफगानिस्तान से भी हार जाएगी, क्योंकि जो उनकी बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है, एक मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है, पाकिस्तान है, वो समझ लें कि जैसे एक अमेरिका है, एक उसको सुपर पावर बोला जाता है बीसीसीआई को मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक अमेरिका है उसको सुपर पावर बोलते हैं। इसी तरह जो बीसीसीआई है उनका क्रिकेट बोर्ड, ये समझ लें ऑल ओवर है। जो बीसीसीआई ने करना होता है वो जितने भी टोटल बोर्ड हैं पाकिस्तान को निकाल के वो सारी उनकी शर्तें वगैरह जो है वो मानते हैं। तो आपको लगता है वो जो चैंपियनशिप है डब्ल्यूटीसी की चैंपियनशिप इजीली जीत जाएंगे वो लोग? इजी नहीं जीतेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फंसाएंगे लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम हार भी रहे हैं। और एंड ऑफ ये होता है कि इंडिया की एक वाही टीम है, उसमें बहुत टैलेंट है, जैसे कि इंडिया के पास बैट्समैन बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास बॉलर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं एक शॉर्टली एक टॉपिक छेड़ूंगा कि कल जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है मैं समझता हूँ वो बिल्कुल फजूल है। हम लोग कोचिज बाहर से लेते हैं और आप इस चीज़ को देखें कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हो गया, जितने भी ऑल ओवर, ठीक है, इन लोगों के अंदर एटीट्यूड बहुत है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कई ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो बेचारे खेल नहीं पाते, तो पाकिस्तानी बोर्ड जितनी भी टीम्स बनते हैं सारे सिफारिश पे आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हमारा पीएसएल है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बंदा ऐसा होगा कि जो बगैर सिफारिश के और बगैर पैसों के वो खेलता होगा। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं उनको एक बीमारी है, वो चलने पे आए तो उनके जो एंड ऑफ बॉलर्स हैं वो भी स्कोर कर देते हैं, और अगर ना चलने पे आए तो वे विराट कोहली भी नहीं चलता। जैसे इंडिया का कप्तान था एमएस धोनी, वो एक ऐसा प्लेयर था कि वो मैच का जो है ना टर्निंग पॉइंट ही चेंज कर देता था। उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और एक वो बेस्ट विकेट कीपर होने के नाते वो एक बैट्समैन भी, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था। मुझे नहीं नज़र आता कि उसके बाद कोई ऐसा इंडिया के पास प्लेयर आया कि जिसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो। विराट कोहली ने खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, याद होगा आपको, जो हारी सर को स्टेट पे चिक्का मारा था, वो मैच फिक्स था। सर वो चिक्का भी तो फिक्स नहीं था। मैं ये नहीं चीज़ हूँ, वो मैच फिक्स था, क्योंकि पाकिस्तान की एक टीम ऐसी है कि अगर ये जीतने पे आए तो ये किसी से भी नहीं हार सकती, और अगर हारने पे आए तो ये बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इन जितनी भी छोटी टीमें हैं हार जाएंगे। बॉलिंग लाइन में उनके पास अश्विन है, अश्विन मुझे बड़ा पसंद है, उसकी बॉलिंग स्टाइल बहुत पसंद है, वो बैट्समैन भी है और बॉलर भी है, तो वो बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है इंडिया के लिए, तो वो इंशाल्लाह वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और इंडिया के पास 9 बैट्समैन है जो कि उनमें से ऑलराउंडर भी हैं बीच में, तो इंडिया की बहुत स्ट्रांग टीम है, ऑस्ट्रेलिया को वो हरा देगी। मैच देखने का मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत, मैं तो लाइव बैठ के देखूंगा पूरे का पूरा मैच। हाँ, एशिया के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, एशिया में कोई भी जीते, सारे अपने हमसाए हैं, तो हमसाए पर हक बनता है। रोहित शर्मा कप्तानी में फुल फॉर्म में, बैटिंग से अभी उतने रन नहीं बनाए, हालांकि 150 लगाए हैं अभी इन्होंने अपने सेकंड लास्ट मैच में, बट इट्स ओके, उतने फॉर्म में नहीं है। बट यार विराट कोहली की अगेन बात कर लो, मतलब सुप्रीम सबलाइम फॉर्म में है। इसके बाद बात कर लो चेतेश्वर पुजारा की, तो वो भी जबरदस्त फॉर्म में है, लंबी सायर के लिए खेल रहे हैं, काउंटी चैंपियनशिप उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। इसके बाद अजिंक्य रहाणे को तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों की, आईपीएल में क्या रेंज हिटिंग कर रहे हैं, कम रन बना रहे बट इम्पैक्टफुल रन बना रहे, 24-25 रन बना रहे लेकिन 160-170 की स्ट्राइक रेट से बना रहे, और जबरदस्त फॉर्म में नजर आए अभी तक। और टेस्ट मैच जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेले उसमें भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो रहाणे तक बैटिंग ऑलमोस्ट सॉलिड है। इसके बाद अगर बात कर ले तो भाई रवि जडेजा, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम, कभी भी जडेजा लीथल साबित हो सकता है विद द बैट विद द बॉल। अक्षर पटेल सेम जडेजा को कम्पीट कर रहे हैं, एज वेल एज आईपीएल में भी जडेजा से अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई, अच्छी परफॉर्मेंस दी है जडेजा से। उधर चेन्नई सुपर किंग्स अपने सभी प्लेयर्स के साथ अच्छे परफॉर्मेंस के साथ खेल लिए, वही डीसी में सिर्फ पटेल ही पटेल नजर आ रहे, तो पटेल भी भाई बहुत जबरदस्त इंडिया के लिए हैं। इसके बाद फिर शार्दुल ठाकुर भी आप लोगों को देख सकते हैं कैसी फॉर्म में है, मतलब यार ऑलमोस्ट टीम इंडिया पूरी सेटल है। और इसका ही ईशान किशन को आउटसाइड पे रखा गया कि भाई अगर कोई इन आउट हुआ तो इनको खिलाएंगे, और क्या पता स्काई को खिला ले जिस तरीके का फॉर्म है उस बंदे का, तो यार मतलब टोटली पावर पैक टीम इंडिया नजर आ रही है। और भाई बात कर ले ऑस्ट्रेलिया की, तो वो भी काफी मजबूत साइड है, तो देखने में क्लैश होने में ये काफी मजे आने वाले, तो इसलिए रोहित शर्मा की आंखें पहले से ही डब्ल्यूटीसी पे जम चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है डब्ल्यूटीसी में इंडिया का पक्ष विदाउट बुमराह कैसा होगा,
वैसे बॉलिंग ऑप्शन की बात हम किसी और दिन करेंगे, बट आप लोगों को कमेंट करके बताना। जुड़े रहे भाई क्रिकेट तक ऐसे वीडियोज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।